नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दिल्ली से आ रही है बुराड़ी में एक कार के अंदर शराब मिलने के मामले में सोशल मीडिया के कई अकाउंट के खिलाफ थाने में शिकायत। कई सोशल मीडिया अकाउंट के स्क्रीनशॉट व प्रिंट आउट थाने में दिए गए। दरअसल बुराड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत संत नगर में बुधवार शाम के वक्त एक कार की दूसरी गाड़ी से हल्की टक्कर हुई और जिनमें एक कार के अंदर से बड़ी मात्रा में शराब की बोतलें निकली, जिसको कुछ लोग एक वीडियो में फेंकते हुए साफ नजर आ रहे हैं। साथ ही उन लोगों द्वारा एक कैलेंडर भी उस गाड़ी पर लगाया गया है और उस वक्त उस वीडियो में बोला जा रहा है कि यह गाड़ी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की है जो कि भावी प्रत्याशी है और यह शराब इस गाड़ी में मिली है। इस तरह से उस भावी प्रत्याशी के खिलाफ कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर उस वीडियो को डालते हुए नाम तक लिखा। जिस शख्स का नाम उस वीडियो में लिखा गया वह सुंदर सुमन है। सुंदर सुमन अपने वकील के साथ बुराड़ी पुलिस स्टेशन पर पहुंचे और सुंदर सुमन ने बताया कि वह गाड़ी उसकी नहीं है, उसकी गाड़ी तो अपने घर की पार्किंग में खड़ी है। साथ ही उस वक्त मौके पर भी वह मौजूद नहीं थे, उनका दूर दूर तक इस घटना से कोई संबंध नहीं है, फिर भी उनके नाम को उछाला गया। जिसकी गाड़ी थी या जिसने गाड़ी से एक्सीडेंट किया उन लोगों का कहीं भी सोशल मीडिया पर जिक्र नहीं, लेकिन सुंदर सुमन का जिक्र किया गया। सुंदर सुमन का कहना है कि वह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो नगर निगम की टिकट मांग रहे हैं, इसलिए उन्हें बदनाम करने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा रचा गया। उनके गाड़ी में पोस्टर मिलने के सवाल पर उन्होंने बताया कि उन्हें नहीं पता वो पोस्टर गाड़ी में मिला है या पोस्टर कहां से लाए हैं। उनका कहना है कि वो हजारों पोस्टर पिछले लंबे वक्त से क्षेत्र के अंदर बांट रहे हैं और हजारों गाड़ियों में उनके पोस्टर मिल सकते हैं। इसकी शिकायत लेकर वो बुराड़ी थाने पर पहुंचे और कुछ सोशल मीडिया पर उनके नाम से पोस्ट डाल रहे कई सोशल अकाउंट के स्क्रीनशॉट लेकर थाने पर पहुंचे हैं और वहीं स्क्रीनशॉट के साथ में शिकायत दर्ज करवाई है। उनका कहना है कि अब जांच करने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है, उन सोशल अकाउंट को बंद करवाना और उन पर कार्रवाई के लिए शिकायत दी है। साथ ही वह मानहानि के इस मामले को लेकर न्यायालय में भी जाएंगे। न्यूज 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। शुक्ला जी बताइए क्या शिकायत देने जा रहे हैं आज आप? शिकायत ये है कि सोशल मीडिया पे प्लैंड वे में इनके खिलाफ एक रूमर फैलाया जा रहा है और उसको जो बुराड़ी एरिया है सोसाइटी में भी फैलाया जा रहा है। किसी केस से इनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो सोशल मीडिया से हमें पता चला है वो ये पता चला है कि कोई गाड़ी वगैरह पकड़ी गई है उसमें इनका नाम आ रहा है, जबकि इनका उससे कोई लेना देना नहीं है। ये रूमर फैलाना पूरी तरह साजिशन है। इसमें इसके पीछे किसका आता है ये तो पुलिस जानेगी। हम कंप्लेंट देने भी आए हैं थाने में, कंप्लेंट दे के हम निकलेंगे, उसके बाद पुलिस काम में इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस बताएगी कि इसके पीछे किसका आता है। जिन्होंने लिखा है कुछ अकाउंट की डिटेल भी आप दे रहे होंगे, किन किन? हाँ, हमारे पास नाम है, बाकी तो हमारे पास नहीं है। एक राहुल सिंह है, ब्रजेश कुमार राय हैं और विजय कुमार झा जी हैं। पॉलिटिकली ये सब किया जा रहा है, मे भी हो सकता है क्योंकि ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो हो सकता है पॉलिटिकली इसको हो सकता है। ऐसे कितने लोग हैं जो जो ये लोग हैं और भी ज़्यादा हो सकते हैं? अभी तो हमें 4 या 5 का पता चला है जी। बाकी क्या है, कुछ लोग जिनको जानकारी नहीं वो उसको शेयर पे शेयर किए जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए हम फेसबुक पे लिखेंगे, पुलिस से कहेंगे फेसबुक पे लिख के ट्विटर पे लिख के उसको ब्लॉक किया जाए, उस मैसेज को स्प्रेड होने से रोका जाए। तो कुछ आईडी के यूआरएल दे करके आप उन्हें बंद करवा के देंगे? आईडी का डिटेल निकालना हमारा काम नहीं है, ना हम निकाल सकते हैं, ये काम पुलिस का है, पुलिस ही इसको रोक सकती है और इसीलिए हम थाने आए हैं, पुलिस के पास आए हैं, क्योंकि अल्टीमेट पावर तो इन्हीं के पास है, हम और आप तो रोक नहीं सकते। प्रशासन की तरफ से अभी क्या करवाई रहा? अभी तो हम कंप्लेंट देने आए हैं, कंप्लेंट हो जाए उसके बाद। थाने पे आए हैं बुराड़ी, क्या है पूरा मामला, क्या वजह है, क्यों आया? देखिए पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार करता हूँ जो आप लोग आए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो है कल से मैं रात से मैं देखा हूँ, करीब 9 बजे के बाद जब मैं खाना खा रहा था घर पे तो मैं देखा कि उसमें मेरे बारे में सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ गलत लिखा जा रहा है और ट्विटर पे भी ऐसा लिखा जा रहा है। तो अभी 4-5 लोगों का जो मुझे मैंने देखा था रात में उनका मैं सुपर निकाल कर लाया हूँ अभी, और जितने भी जो भी डाल रहे हैं गलत डाल रहे हैं कुछ भी सोशल मीडिया पर जो फैला रहे हैं उसके बारे में जो है गलत चीज़ है, ये हमारे पर्सनल छवि को ख़राब कर रहे हैं, ये राजनीति मुद्दा बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाकी हमारे वकील साहब बताएंगे।